हेलो गाइस, मेरा नाम हुआ मृत्युंजय और आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अंडर 20,000 यानी कि आप लोगों को 20,000 से कम के रेंज में हम लोगों ने पांच ऐसे स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। जो हमारे लास्ट स्मार्टफोन है उसको सबसे पहले हम लोग बताएंगे, जो हमारे पहले स्मार्टफोन है उसको सबसे लास्ट बताएंगे। तो गाइज यार, आप लोगों ने कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। वो फ्लिप फोन है सैमसंग का, उस पर हम लोग ने थोड़े ज़्यादा मेहनत किया था, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम लोग का जो पचवा नंबर स्मार्टफोन है, यानी कि जो पचवा नंबर स्मार्टफोन है वो है रेडमी 10 प्राइम, जिसके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है। रैम की बात कर ले तो रैम उसमें 6 GB का है। स्टोरेज की बात कर ले तो 128 GB का इंटरनल स्टोरेज उसके अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, मीडियाटेक हीलियो 88 प्रोसेसर उसके अंदर मिल जाता है। बैटरी की बात कर ले तो बैटरी उसके अंदर आप लोग को 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर आप लोग को 18W चार्जर देखने को मिलता है। कैमरे की बात कर ले तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, 50+8+2+2 MP का प्राइमरी कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो फ्रंट कैमरा हम लोग को उसके अंदर आप लोग को 8 MP देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर आप लोग को 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वेट भी उसका काफ़ी कम है, 192 ग्राम का उसके अंदर वेट दिया गया है। साथ ही साथ प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है, उसका प्राइस रेंज है आप लोग को 14,999। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी स्मार्टफोन का पार्टिकुलर वीडियो चाहिए कि हमको लगता है कि इस स्मार्टफोन पर आप लोग को वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ यार कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप लोगों के लिए हम उस वीडियो को क्रिएट करेंगे और पक्का करेंगे और आप लोग का रिप्लाई भी तुरंत देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो हमारा जो चौथा नंबर स्मार्टफोन है वो है रेडमी नोट 10S, जिसके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ रैम की अगर बात कर ले तो 8 GB का रैम है, 128 GB का स्टोरेज उसके अंदर दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G95 दिया गया है उसके अंदर। साथ ही साथ बैटरी भी काफ़ी शानदार है, 5000 mAh का उसके अंदर आप लोग को बैटरी देखने को मिल जाता है। 33W का फास्ट चार्जर भी उसके अंदर दिया गया है। कैमरा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसके अंदर, 64 MP का प्राइमरी कैमरा है। और फ्रंट कैमरा की अगर हम लोग बात कर ले तो 13 MP का फ्रंट कैमरा है। साथ ही साथ उसके अंदर आप लोग को वेट भी ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, उसका वेट है आप लोग को 179 ग्राम का। प्राइस रेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग बाय कर सकते हैं इस फोन को, 18,999 दिया गया है। कब से देख रहे हैं यार आप लोग वीडियो को, देखे जा रहे हैं मतलब कुछ भी यार, एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब, आगे देखिए, गजब बेइज्जती है। तो गाइज यार, ये जो स्मार्टफोन है तीसरा नंबर वाला, आप लोग चाहे इसको आगे से गिनिए चाहे पीछे से काउंट कीजिए, आप लोगों को इसमें 30 नंबर पे आने वाला ये स्मार्टफोन आईकू की तरफ से है, Z3 5G। इसके अंदर आप लोग को डिस्प्ले 6.39 इंचेस का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर स्टोरेज की बात कर ले तो 128 GB का स्टोरेज है, प्लस में 6 GB का रैम देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 768 स्नैपड्रैगन इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है, 5G वाला प्रोसेसर है। साथ ही साथ बैटरी की बात कर ले तो बैटरी इसमें 4400 mAh बैटरी है, पता नहीं यार 4500 दे देते तो इनका क्या हो जाता। साथ ही साथ इसमें आपको 55W का फास्ट चार्जर है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 55W भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ। साथ ही साथ अगर कैमरे की बात कर ले तो कैमरा इसके अंदर 64 MP प्राइमरी कैमरा है, प्लस 8++2 ऐसे कैमरे दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा इसके अंदर आप लोगों को 16 MP का फ्रंट कैमरा है, 120Hz रिफ्रेश रेट पहले तो है। साथ ही साथ इसका वेट की बात कर ले तो इसमें आप लोगों को 186 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है, 90,919 इसका प्राइस रेंज है। तो गाइज यार, दूसरा नंबर जो स्मार्टफोन है वो सैमसंग गैलेक्सी M32 की तरफ से है, जिसके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.4 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले है। साथ ही साथ इसके अगर हम लोग स्टोरेज की बात कर ले तो 128 GB का इसके अंदर स्टोरेज है, 6 GB का रैम दिया गया है। और इसके अंदर आप लोगों को प्रोसेसर की बात कर ले तो मीडियाटेक G80 इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो कैमरा है 64 MP का प्राइमरी कैमरा है, प्लस 8+2+2 का इसके अंदर सेटअप है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले फ्रंट कैमरा की तो 20 MP का फ्रंट कैमरा, अभी तक के सारे स्मार्टफोन से ज़्यादा कैमरा इसके अंदर है फ्रंट का। साथ ही साथ हम लोग अगर रिफ्रेश रेट की बात कर ले तो 90Hz का रिफ्रेश रेट है। वेट भी ज़्यादा नहीं है इस फोन का, 196। इस फोन का प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा है, 16,999। सारे स्मार्टफोन का हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप लोग वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई लोग, लास्ट वाला जो स्मार्टफोन है आप लोगों को बहुत बेस्ट स्मार्टफोन है, तो तबाही मचा के पक्का जाएगा। और ये पहला स्मार्टफोन है जो हम लोगों ने सबसे लास्ट में डाला है, तो इसके अंदर आप लोगों को ओप्पो का देखने को मिल जाता है, ओप्पो A74।
मतलब 5G फोन है, आप लोग चाहे तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग को 6.49 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात कर ले इसके स्टोरेज की तो 128GB का स्टोरेज है, 6GB का रैम इसके अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात कर ले तो MediaTek Helio G95 इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है। बैटरी भी काफ़ी अच्छा है, 5000mAh का बैटरी है और 18W का फास्ट चार्जर आप लोग को देखने को मिल जाता है। कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, कैमरा में 48MP प्राइमरी कैमरा है, +2+2+2 एक्स्ट्रा कैमरा इसके अंदर भी दिया गया है, वो आप लोगों का मर्जी है, यूज़ कीजिए चाहे नहीं कीजिए। इसके आगे आप लोग फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो 8MP फ्रंट कैमरा है। वेट की बात कर ले तो 188g का इसके अंदर वेट है। साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को रिफ्रेश रेट 90Hz का देखने को मिल जाता है। प्राइस रेंज अच्छा है, ले सकते हैं, 17,990 इसका प्राइस रेंज दिया गया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।